महू जनपद पंचायत क्षेत्र में आने वाली भाटखेड़ी पंचायत में 25,000 पौधारोपण अभियान में शामिल होने नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय व प्रहलाद पटेल ग्राम पंचायत भाटखेड़ी पहुंचे। यहां एक पौधा मां के नाम कार्यक्रम के तहत आज 25,000 पौधे रोपे गए। आयोजन में सरपंच मोहम्मद सेठ व भाजपा के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर प्रहलाद पटेल ने कहा कि आज पौधारोपण कार्यक्रम में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है उसे हम पूरा करेंगे। वहीं इंदौर जिले भर में 51 लाख पौधे लगाने का जो संकल्प लिया है उसे भी पूरा करने की बात कही। उन्होंने कहा कि पौधा जब तक वृक्ष ना बने तब तक हमें उसका ध्यान रखना है ताकि हमारा संकल्प यथार्थ में पूर्ण हो सके। वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पौधारोपण का जो हमारा लक्ष्य है उसे हम जरूर पूरा करेंगे। हम सब धरती माता का ऋण अदा करेंगे, पौधे को वृक्ष बनाने तक उसकी देखरेख करेंगे। और यह सौभाग्य की बात है कि यह कार्यक्रम ग्रुप नवरात्रे में चल रहा है। एक तरफ हम घर में माँ को आराधना कर रहे हैं और दूसरी तरफ बाहर धरती माँ की। उन्होंने कहा कि हमने जो 51 लाख पेड़ लगाने का संकल्प लिया है हम उसे भी पार कर देंगे। वहीं एक कार्यक्रम जिसमें गृह मंत्री अमित शाह उपस्थित होंगे उसमें हम एक ही दिन में 11 लाख पौधे लगाएंगे। पेड़ लगाने के लिए आह्वान किया है, अपने माँ के नाम एक पेड़ सब लगाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी मोहन यादव ने 5,51 लाख पेड़ लगाने का संकल्प लिया। हमने इंदौर में इंदौर की जनता ने 51 लाख पेड़ लगाने का संकल्प किया। मुझे कहने में गर्व है कि हमारी संख्या 51 लाख से भी ज़्यादा हो सकती है और एक समय में हम 11 लाख पेड़ लगाएंगे, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम 11 लाख पेड़ लगाकर दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। इंदौर क्लीन इंदौर आने वाले 5 सालों में ग्रीन इंदौर भी होगा, लोग आकर देखेंगे। ये 51 लाख एक बार नहीं है, हर साल हम 51 लाख लगाएंगे और एक हरी चादर इंदौर की धरती माता को आएंगे, क्योंकि हमारा ग्रीन कवर थोड़ा सा कम अन्य शहरों की अपेक्षा। हम ग्रीन कवर बढ़ाकर लोगों को आनंददायी जिंदगी दिए। वहीं इसी के साथ महू के भेरूलाल पाटीदार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भी एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रहलाद सिंह पटेल एवं उषा ठाकुर ने पौधारोपण करते हुए विद्यार्थियों, स्टाफ एवं गणमान्य नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि हमें पौधे अपने जीवन के लिए लगाने चाहिए। हम 3 साल तक पौधों को बचाएंगे तो वे पेड़ बनेंगे। यही पेड़ हमारे आने वाली पीढ़ी के जीवन की रक्षा करने में सहायक होंगे। उन्होंने बताया कि मैंने 32 नदियों के उद्गम स्थल का भ्रमण किया है। उन नदियों में से एक नदी सूख गई है। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट। आज भैरूलाल जी पाटीदार महाविद्यालय में आज वृक्षारोपण के कार्यक्रम में उपस्थित होकर मैं गौरवान्वित हूँ। जहाँ पौधे लगे उन्हें वृक्ष बनाने का संकल्प हो, यही जीवन का संकल्प होना चाहिए। वृक्ष है तो जल है, जल है तो जीवन है। आज पौधा लगाकर हम इसलिए गौरवान्वित होते हैं कि ये हमारे बच्चों को ऑक्सीजन भी देंगे और भोजन भी देंगे और अच्छा स्वास्थ्य देंगे। हर बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा हो और वो सबल सामर्थ्य के साथ देश की रक्षा कर सके, इसलिए जरूरी है ये वृक्षारोपण, उसको बचाए रखने की गारंटी। मैं माननीय दीदी को, महाविद्यालय परिवार को, बच्चों और बच्चियों को और सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं की तरफ से बधाई देता हूँ। आप इस संकल्प को आप पूरा करें, ईश्वर आपको शक्ति दे।